दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट। आज के टॉपिक में आप लोगों को मोबाइल से रिलेटेड जो अपकमिंग फ़ोन है ये देख सकते हैं। स्नैप ड्रैगन 6 जेन जनरेशन का है, 8 GB रैम है, 108 MP है, 2 MP रियर कैमरा है, प्लस 8 MP फ्रंट कैमरा है, 5800 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, 35 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, 6.70 इंच का ये फ़ोन मिल रहा है। तो अमोल्ड डिस्प्ले इसमें मिल रहा है 6.78 यानी 17.22 सेंटीमीटर का, बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं इसका कलर ग्रेड है, कलर में आप 2-3 कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, यदि आपको पसंद पड़ता है तो ख़रीदिए। स्नैप ड्रैगन 8 जनरेशन 2 और 12 GB रैम है, ठीक है, 50 MP कैमरा है, 50+50+50 तीनों 50-50 है, और सॉरी इसमें 50 का 4 कैमरा है और 32 MP फ्रंट कैमरा है। 4 कैमरा 50 MP का पीछे बैक साइड में मिल रहा है, 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है और 90 W का क्विक चार्जिंग मिल रहा है। 6.73 इंच का इसका एमोल डिस्प्ले मिल रहा है, एमोल डिस्प्ले इसका जो है 6.73 इंच है। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है, और इसका प्राइस 71,590 रुपीज़ का मिल रहा है। तो आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लग रहा है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। इसके बारे में जितने भी बात की जाए बहुत ही कम है, क्योंकि 4-4 कैमरा बैक साइड में मिल रहा है भाई साहब। और ये फ़ोन दिवाली के समय पे अवेलेबल होने वाले हैं, सब अक्टूबर और नवंबर के ये फ़ोन रिलीज़ होने वाले हैं, ठीक है। ये सारे अपकमिंग फ़ोन हैं, स्नैपड्रैगन 8+ जनरेशन 1, 12 GB रैम, 50 MP प्लस 2 MP रियर कैमरा है, 16 MP जो है फ्रंट कैमरा मिल रहा है, 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, 120 W का फ्रंट चार्जिंग मिल रहा है। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है, यदि आपको ये फ़ोन लेना है तो ले सकते हैं, 29,390 रुपये का है। मीडिया टेक डिस्टनी 8200, 8 GB रैम, 64 MP प्लस 2 MP रियर कैमरा मिल रहा है और फ्रंट कैमरा इसका जो है 16 MP का है, 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है और आप देख सकते हैं 19,000 रुपये का मिल रहा है। भाई साहब ये 21,790 रुपये का है। स्नैपड्रैगन है 7820G है, 8 GB रैम है, 50 MP कैमरा मिल रहा है इसका बैक साइड का, फ्रंट साइड का 16 MP मिल रहा है और 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। 100 W का सुपर चार्जिंग मिल रहा है, 21,790 का फ़ोन है भाई साहब। अपकमिंग फ़ोन है ओप्पो का है, ओप्पो K11, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। रियलमी भी इसके पीछे पीछे ही आ रहा है, तो आप लोग इस ओप्पो फ़ोन को ले सकते हैं। रियलमी देख सकते हैं, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2, 12 GB रैम है और जो है 50 MP, 8 MP, 2 MP इसका, 3 कैमरा है बैक साइड में और फ्रंट साइड में सिंगल कैमरा मिल रहा है 16 MP का, 5240 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, 150 W का चार्जिंग मिल रहा है, चार्जिंग फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, वो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है। और इसका OLED डिस्प्ले मिल रहा है, OLED, ठीक है, 6.74 इंच का मिल रहा है भाई, 34,000 रुपये का पड़ रहा है। ये वीवो का Y78 5G फ़ोन है, 16,590 रुपये का है। मीडिया टेक डिस्टनी 720, 8 जनरेशन, 50 MP का है और फ्रंट कैमरा जो है इसका बहुत ही 8 MP का अच्छा है, ये देख सकते हैं, 1,74,490 रुपीज़ का। गूगल पिक्सल फोल्ड, ये यानी फोल्डिंग वाला फ़ोन है और टेंसर G2 है, 12 GB रैम है, 48 MP है, 10 MP है, 10 MP, 3 कैमरा बैक साइड में मिल रहा है, 8 MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, 4821 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त है।
ठीक है, यदि आपको लेना है तो ले सकते हैं एक्सोमी रेडमी नोट 12 टी प्रो, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। यदि आप लोग ये सारे अपकमिंग फ़ोन दिवाली में लेना चाहते हैं तो कम रेट में मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, बहुत ही सस्ते में। ठीक है, ये 29,060 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं। आप कलर चूज़ करना चाहते हैं, कलर भी मिल जाएगा आपको। और ये फ़ोन जो है अपकमिंग में आने वाला है, आपको ये दशहरा में मिल जाएगा, बहुत कम रेट में मिल जाएगा, 29,000 में मिल रहा है, लेकिन आपको सस्ते में पड़ जाएगा। ठीक है, 18,690 रुपये का है एक्सोमी रियलमी नोट 12 टी प्रो, बहुत ही ज़बरदस्त है। मीडिया टेक डिस्टनी का है, 8,200 mAh का बैटरी, इसका जो कोड होता है वो है, और 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है आपको। ठीक है, फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 5,080 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, 67 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल रहा है। ठीक है, 6.6 इंच का जो इसका अमोल्ड डिस्प्ले मिल रहा है, 18,690 रुपये का मिल रहा है, और ये दशहरे में आपको लॉन्च हो जाएगा। जितने भी हमारे दोस्त हैं ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, और आपको कोई क्वेश्चन है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए करो। नोकिया G42 देख सकते हैं, नोकिया ने एक अजीब तरीके का फ़ोन यूज लॉन्च किया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें जो इमेजेस दिख रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, स्नैपड्रैगन 480+ है। ठीक है, 6 GB रैम है, 50 मेगापिक्सल का बैक साइड का कैमरा मिल रहा है आपको, 8 मेगापिक्सल जो है फ्रंट साइड का कैमरा मिल रहा है, 5,000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, 20 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, 12,599 रुपये का है। प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन अच्छा है, क्योंकि 6 GB रैम का मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M54 सैमसंग एक्सीन 1380 इसका कोड है, और 8 GB रैम का मिल रहा है, 108 मेगापिक्सल ने दिया है सैमसंग गैलेक्सी ने। ये लॉन्च होने वाला है, आपको अक्टूबर में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है। ये सैमसंग गैलेक्सी A24 का मिल रहा है, मीडिया टेक हीलियो है, G99 6 GB रैम है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 5,000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग मिल रहा है 25 वाट का। ठीक है, 6.5 इंच का इसका जो है अमोल्ड डिस्प्ले मिल रहा है। Poco F5 Pro बहुत ही ज़बरदस्त है, 36,890 रुपये का मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 और 8 GB रैम का मिल रहा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है इसका बैक साइड का, फ्रंट साइड की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है। ठीक है, इसके बैटरी बैकअप का बात करें तो 5,160 का मिल रहा है। और सोनी एक्सपीरिया वापस आ गया है दोस्तों मार्केट में, और इसकी प्राइस की कीमत देखी जाए तो 1,14,790 रुपये का मिल रहा है, और 12 GB रैम का मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल बैक साइड का कैमरा मिल रहा है, 12+12 भी है इसमें, और 12 GB रैम जो है, सॉरी 12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिल रहा है, 5,000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल रहा है। ठीक है, अमोल्ड डिस्प्ले इसका है OLED, ठीक है, और 6.5 इंच का मिल रहा है। तो आप लोग खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। और 20,000 रुपये में मीडिया टेक हीलियो G99 8th Generation 108 मेगापिक्सल का है, देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 5,000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, और 68 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, और अमोल्ड डिस्प्ले इसमें आ रहा है 6.78 इंच का, और 19,990 रुपये का मिल रहा है। तो आप लोग इसमें कलर भी चुनना चाहते हैं तो कलर भी फ़ोन मिल रहा है, 3 कलर का मिल जाएगा, वाइट, ब्लैक और येलो में। ठीक है, ऑरेंज भी थोड़ा हल्का। तो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट कर देना। ठीक है, ये देख सकते हैं आपको मिल जाएगा Q IQ। ठीक है, मीडिया टेक डिस्टनी है 9200 का, और 16 GB रैम है, 50 मेगापिक्सल ये बैक साइड का कैमरा है, फ्रंट साइड का 16 मेगापिक्सल मिल रहा है, 5,000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है इसका। जो है चार्जिंग की बात करूँ तो 120 वाट का चार्जिंग मिल रहा है, बहुत ही तेज़ी से, यानी 15
15 मिनट में फुल चार्ज होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त, 38,790 रुपये का मिल रहा है। वीवो S17 प्रो है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं, 36,040 रुपये का मिल रहा है। 8 GB रैम है, 50 MP बैक साइड का कैमरा है, फ्रंट साइड का 50 MP, सॉरी दोनों तरफ का 50-50 मिल रहा है। 4600 mAh का बैटरी बैकअप है, 80 W का फ्लैश चार्जिंग मिल रहा है, जो उसको टेबल पे रख दो, मोबाइल भी साथ में रख दो, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये नोबिया रेड मैजिक 8S प्रो बहुत ही ज़बरदस्त नया वैरायटी का फ़ोन है, चाइनीज़ फ़ोन है, 45,390 रुपये का आ रहा है, 8 GB रैम का मिल रहा है। ओप्पो A2 प्रो बहुत ही ज़बरदस्त है, 8 GB रैम है, 64 MP का कैमरा मिल रहा है इसमें, और बैक साइड की बात करूँ तो 64 है, फ्रंट का 8 MP का है, 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, 67 W का सुपर फ्लैश चार्जिंग मिल रहा है। फ्लैश चार्जिंग का मतलब होता है कि आप साइड में रख दो, मोबाइल को भी कनेक्ट मत रखो, उसके ऊपर रख दो, फ्लैश के जरिए चार्ज हो जाता है, 20,000 रुपये में पड़ जाएगा। ओप्पो K11X 17,590 रुपये का मिल रहा है, स्नैपड्रैगन है, 8 GB रैम है, और 108 MP का मिल रहा है भाई साहब कैमरा, और फ्रंट साइड की बात करूँ तो 16 MP का मिल रहा है, 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, 67 W का सुपर फ्लैश चार्जिंग मिल रहा है। तो आप लोगों ने फ्लैश चार्जिंग के बारे में देख लिया होगा कैसा है कैसा नहीं। Asus ZenFone 10 है, बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है, 8 GB रैम का, 50 MP बैक कैमरा है, और 32 MP का फ्रंट कैमरा है, 4300 mAh का बैटरी बैकअप है, 30 W का फास्ट चार्जिंग है, तो इतना वो ख़ास नहीं है, लेकिन 71,390 रुपये का है फ़ोन, इसे मत लेना, कोई ज़रूरी नहीं। सारे अपकमिंग फ़ोन मिल रहा है दोस्तों, सारे मैं जितने फ़ोन दिखा रहा हूँ सारे अपकमिंग फ़ोन हैं, और ये मत सोचना कि फ़ोन आ चुके हैं, ये आएंगे दिवाली को, आपको दशहरा में मिल जाएंगे, ठीक है, दिवाली से पहले ही आ जाएंगे, लेकिन दिवाली को जो है आप खरीदेंगे तो बहुत सस्ता हो जाएगा, 28,590 रुपये का। भाई मेट 60 प्रो फ़ोन है, और 79,690 रुपीज़ का है, ठीक है। मोटो X40 फ़ोन आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगा और आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मोटो X40 है, यानी मेट्रोला का फ़ोन है, 50 MP बैक साइड का कैमरा मिल रहा है, फ्रंट का 60 MP मिल रहा है, भाई साहब कंपनी ने तो उल्टा ही कर दिया, सामने वाले को 60 कर दिया और बैक साइड वाले को 50 कर दिया, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है, लेकिन 40,390 रुपये का ये फ़ोन मिल रहा है, तो आपको लेने का कोई ख़ास वजह नहीं होता है, मत लेना, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेट्रोला फ़ोन है, कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। Realme 10 5G बहुत ही अच्छा फ़ोन है, आपके बजट के अनुसार, आपके अनुसार और कलर में हर तरह का मिल जाएगा, 14,790 रुपये का मिल जाएगा, 50 MP बैक कैमरा मिल रहा है, 8 MP फ्रंट कैमरा है, 5000 mAh का फास्ट चार्जिंग मिल रहा है इसका, 33 W का फास्ट चार्जिंग है, और 5000 mAh का बैटरी है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यदि खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, आपके बजट के अनुसार है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये फ़ोन, ठीक है। यानी कि 20,000 तक के बहुत ही अच्छे फ़ोन होते हैं, उसके ऊपर के तो फ़ोन जितना पैसा डालोगे उसी हिसाब से चलेगा। ओप्पो फाइंड, ठीक है, ओप्पो फाइंड X6 है, 54 यानी 54,190 रुपये का फ़ोन मिल रहा है, MediaTek डिस्टनी है, 9200 और 12 GB रैम है, 50+50+50 यानी कि 50-50 का 3 कैमरा मिल रहा है बैक साइड में, फ्रंट साइड में 32 MP मिल रहा है, और इसका बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 4800, ठीक है, और इन्फिनिक्स नोट 30 VIP फ़ोन है, 24,690 रुपये का, आप देख सकते हैं, 8 GB रैम है, 108 MP का बैक कैमरा है, फ्रंट साइड का 32 MP का कैमरा मिल रहा है, 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग मिल रहा है 60 W का, बहुत ही ज़बरदस्त है। वीवो V29 लाइट फ़ोन है,
31,840 रुपए का है भाई साहब, आप यूज कर लीजिए इसे, मेरा कहना तो मान लीजिए यार, कभी तो कभी मान ली करो, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त जो फ़ोन मैं दिखा रहा हूँ, जो फ़ोन दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। यदि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो बैक में जाके वापस देख लेना। 31,840 रुपए का ये फ़ोन मिल रहा है, 64 मेगापिक्सल बैक कैमरा मिल रहा है, फ्रंट साइड का 16 मेगापिक्सल मिल रहा है, 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, 44 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, 6.78 इंच का अमोल्ड डिस्प्ले मिल रहा है। भाई साहब ये फ़ोन आपके लायक है, आपके बजट के अनुसार है। यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो आंखें बंद करके ख़रीद सकते हैं, और हमारे चैनल को यदि आपने पूरा देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।